ठीक है, शुरू शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास जो कि टॉप 100 क्वेश्चन के लिए रहेगी, एमसीक्यू है। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है, जो कि अपना WCL के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, ACL के पेपर को देखते हुए। ठीक है, इस हिसाब से अपन अभी आजकल में मोस्ट 400 क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे अलग अलग जगह से और आपको बताएंगे, है ना, जिसकी आने के अपने पूरे चांस रहेंगे, ठीक है ना। तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, है ना, आज का अपना क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द मेन रीजन टू सपोर्ट अ स्लिप और फॉल्ट प्लेन ऑन इट्स बोथ साइड। ठीक है, क्या कारण है, ठीक है, के सपोर्ट और स्लिप और फॉल्ट प्लेन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड सपोर्ट करने क्या कारण स्लिप और फॉल्ट प्लेन के, ठीक है, क्या कारण है। ठीक है, इसे सरल सरल क्वेश्चन ही पूछ देता है। ठीक है, स्लिप और फॉल्ट के दोनों साइड सपोर्ट करने का क्या कारण है ना, क्या रीजन है। ठीक है, तो आप लोग बताएं इसका आंसर कमेंट में, इसके बाद हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी नंबर। ठीक है, स्लिप फॉल्ट प्लेन लाइन फ्रैक्चर स्टार्ट आ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इट। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं इसको दोनों साइड से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई डू वी क्लोज द स्टॉपिंग इनटेक और रिटर्न एयर वे साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब इकट्ठे एक साथ। ठीक है, इनटेक और रिटर्न के अपन स्टॉपिंग एक साथ क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं आंसर बताएं कमेंट में। ठीक है, तो क्यों करते हैं, इसका राइट आंसर है अपना सी नंबर, टू प्रिवेंट मीथेन एक्सप्लोजन वाई डिलेइंग एंड पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर। ठीक है, मीथेन के एक्सप्लोजन को है ना डिले के लिए और फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव मिक्सचर न बने, इसके लिए अपन क्या करते हैं इंटेक और रिटर्न के स्टॉपिंग क्या करते हैं एक साथ बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना, वाटर स्प्रे एट कोल बिफोर आफ्टर शॉर्ट फायरिंग है ना, वाई। ठीक है, अपन वाटर स्प्रे क्यों करते हैं कोल फेस में, ठीक है, शॉर्ट फायरिंग के पहले। ठीक है, इसका आंसर बताएं कमेंट करके, चार ऑप्शन है दिए हैं आपके पास सामने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर ए, इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट एक्सप्लोजन हजार्ड ऑफ द कोल डस्ट। ठीक है, अगला अपना है, वाई फीट एंगल लिमिटेड टू 1.5 डिग्री। सबको पता है फीट एंगल कितना होता है, 1.5 डिग्री। ठीक है, वाई क्यों क्यों रहता है, इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके, इसका अपना राइट आंसर होगा है ना, कमेंट करें, हम देखें कितने सही हैं। डी नंबर, टू प्रिवेंट एक्सेसिव बियर एंड टीयर बाइंडिंग रोप। ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव बियर एंड टीयर बाइंड रोप। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना फाइव, वाई द हैवी टाइप ऑफ स्टोन डस्ट वेरियर आर लोकेटेड फर्दर फ्रॉम फेस इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्यों रहता है, इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है अपना, डी, द ग्रेटर डिस्टेंस विल बी गिव एक्सप्लोजन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ग्रेटर वॉयलेंस टू टपल हैवी वेरियर। ठीक है, हैवी डस्ट स्टोन डस्ट वेरियर अपन क्यों डिस्ट्रिक्ट से बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोजन अपन क्या हो, डेवलप ना हो इसके लिए, ठीक है, वॉयलेंस ज़्यादा ना हो, ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन हैं जो कि पूछ देता है, फिर लोग कंफ्यूजन होता है पेपर में। मैक्सिमम सपोर्ट आर रिक्वायर्ड विद इन 10 मीटर फ्रेशली एक्सपोज रूप। ठीक है, सबको पता है फ्रेशली एक्सपोज रूप किसको कहते हैं, 10 मीटर तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ की रूफ बहुत क्या रहती, कमजोर रहती है ना, रूफ फॉल होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, फ्रेशली एक्सपोज रूप 10 मीटर तक को। कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता फ्रेशली एक्सपोज रूप किसे कहते हैं, रेगुलेशन क्या है, 10 मीटर तक। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम सपोर्ट की जरूरत क्यों रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत क्यों रहती है, आपके यहाँ सामने चार ऑप्शन है, राइट आंसर बताएं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, बी, डेड पोर्शन जनरली रिमेन अनसपोर्टेड ड्यू टू वॉयलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्रेशर एंड शिफ्टेड टूवर्ड्स पिलर एजेस, है ना, मतलब ये अपना बहुत क्या रहता है कि कमजोर रहता है ना, है ना, इसलिए अपन को यहाँ ज़्यादा सपोर्ट लगाने की जरूरत रहती है। ठीक है, ज्यादा गिरने की संभावना रहती है, फेसली एक्सपोज रूप 10 मीटर को कहते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट इन इंडिया
ज्यादातर इंडिया में एक्सीडेंट किस कारण से होते हैं, सबको पता है किस कारण से होते हैं, रूफ फॉल के कारण से। ठीक है, रूफ फॉल एक्सीडेंट आर केस बाय रूफ फॉल किसके कारण होता है, किसके कारण होता है ये भी पता है सबको। इनसफिशिएंट सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट सही तरीके से नहीं लगाना, डिले रिएक्शन है सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट में देरी करना। ठीक है, रूफ फॉल एक्सीडेंट कैन बी मिनिमाइज बाय, रूफ फॉल को अपन कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल का जो बताया गया उस हिसाब से अपन सपोर्ट को लगाएं, ठीक है, एसएसआर के द्वारा तो अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सेले रूफ और कोल नॉट लेफ्ट विद इन द वाई, क्यों? तो टेंथ का सी आंसर क्या है अपना, इट इज ग्रेटर एफिनिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर गेट डिपार्ट फॉर इंटेक द रूफ। ठीक है, मतलब ये मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है ना, इसलिए अपन को सेले मतलब रूफ को है ना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। 11 क्वेश्चन, यूज ऑक्सीसेट लाइन फ्लेम बेडिंग कटिंग कैन बी डन इन थर्ड डिग्री गैसी माइंस इफ। ठीक है, अपन इसकी किसकी परमिशन यूज कर सकते हैं, ऑक्सीसेट लाइन फ्लेम बाइंडिंग कटिंग है ना, किसकी परमिशन से, तो किसकी, डीजीएमएस से, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर, तो किसी की परमिशन पूछे तो ये कॉमन है ना क्वेश्चन, चाहे जो घुमा के पूछे, किसके, डीजीएमएस की परमिशन से। ठीक है, चाहे फ्लेम्स सेफ्टी लैम्प पूछे, इलेक्ट्रिक टॉर्च पूछे, एक्सप्लोजिव पूछे, सब डीजीएमएस। ठीक है, वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया टू डिसाइड साइज ऑफ पैनल, सबको पता है पैनल का साइज किस पे डिपेंड करता है, तो अपन इंक्यूबेशन पीरियड पे ऑफ कोल सीम। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 30, द नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर इन लार्ज अंडरग्राउंड कोल माइन। ठीक है, देखो अलग टाइप से क्वेश्चन आ गया, वर्कमैन इंस्पेक्टर सबको पता है कितने लोगों पर क्वेश्चन बन गया, नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर इन लार्ज अंडरग्राउंड माइंस, कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर याद रखें, कितने, 3। ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना एक माइन का रहता है, इलेक्ट्रिकल का रहता है, मशीनरी का रहता है ना, तो इसको याद रखेंगे। अगला, इंस्टिंक्चुअली सेफ अपर्चर इन सच अपर्चर, इंस्टिंक्चुअली सेफ अपर्चर आप किसको कह सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताया सबको पता है क्या है, विच इज इनहेरेंटली इनकेपेबल क्रिएटिंग स्पार्क, स्पार्क जिसमें जनरेट ना हो। ठीक है, सफिशिएंट इग्निट एंड फायर डैम। ठीक है, स्पार्क वगैरह जनरेट ना हो, ठीक है, फायर डैम में आग वगैरह ना लगे, ठीक, उसको अपन क्या कह सकते हैं, इंस्टिंक्टिव सेफ अपर्चर। ठीक है, अगला है अपना ग्रेवेट्रिक डस्ट सैंपलर, इसके बारे में ना सुना होगा आपने, सैंपल डस्ट लेडन एयर फ्लो रेट, ठीक है, ए इज गिवन बाय, ठीक है, मतलब ग्रेवेट्रिक डस्ट सैंपल कितनी एयर फ्लो होनी चाहिए सैंपल लेने के लिए। ठीक है, कितनी एयर फ्लो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, टू, इसका आंसर होगा अपना 2.51 पर मिनट। ठीक है, ग्रेवेट्रिक डस्ट सैंपलर क्या है, क्वेश्चन आता है तो क्या रहेगा अपना, ये क्या रहेगा, इंस्ट्रिंजिकली सेफ अपर्चर। ठीक है, 30 डिग्री बोल्ट से जो भी कम में यूज होते हैं 30 बोल्ट, वो क्या रहते हैं, इंस्ट्रिंजिकली सेफ अपर्चर। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें क्या रहती है, जितनी यूज होती हैं अपनी क्या रहती है, FLP फ्लेम प्रूफ अपर्चर, बड़ी मशीनें जितनी रहती है, ठीक है, अंडरग्राउंड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सिग्नलिंग बेल वगैरह क्या रहेगी, इंस्ट्रिंजिकली सेफ। ठीक है, केप लैंप पूछेगा तो ना इंस्ट्रिंजिकली सेफ है ना फ्लेम प्रूफ है। ठीक है, आगे चलते हैं, विच टाइप ऑफ डेटोनेटर आर रिकमेंडेड टू यूज विथ परमिटेड एक्सप्लोजन ड्यूरिंग ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड। ठीक है, कौन सा टाइप का डेटोनेटर यूज करने को कहता है, ठीक है, ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड। ठीक है, किस टाइप का डेटोनेटर यूज करने को करता है, कहता है अपना नॉन इंसेंडिव कॉपर सॉ डिले डेटोनेटर। ठीक है, पता ही रहता है ना, परमिटेड काहे का बना है, कॉपर का रहता है ना, जो अंडरग्राउंड में अपन यूज करते हैं डेटोनेटर। ठीक है, ओपन कास्ट में एल्यूमिनियम का। ठीक, व्हाट परसेंट ऑफ CO फॉर्म्ड O2 अब्सॉर्ब, ये CO फॉर्म्ड और A2 अब्सॉर्ब, ये क्या होता है, ग्राहम रेशियो, ग्राहम रेशियो, इसको क्या कहते हैं अपन, CO अपॉन O2 क्या कहते हैं, ग्राहम रेशियो। इंडिकेट द एक्सटेंस हीटिंग ऑफ हीटिंग, मतलब हीटिंग होना शुरू हो गई है ना, कितने परसेंट होने पर, कितने परसेंट होने पर, 1% होने पर। ठीक है, अगर 0.5 है तो ठीक है, अभी शुरू नहीं हुई है, लक्षण बताते। ठीक है, 2% है तो एडवांस, 3% है तो वेरी एडवांस स्टेज में है, आग बहुत तेजी से लग गई है ना, ये ग्राहम रेशियो को देख के अपन पता करते हैं। ठीक है, 0.5% में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना,
अब इस ठीक है 1% में है तो एक्सटेंस हीटिंग हो रही है, ठीक है तो इसको देख लेंगे। सी ओ अपॉन ओ टू क्या होता है, अपना ये ग्राहम रेशियो होता है ना, डीजे देशमुख में भी दिया हुआ है। व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लोजन आर नॉट नॉर्मली चार्ज इन द सेम शॉर्ट होल, है ना, वाई क्यों अपन अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्लोजिव एक ही चार्ज में एक ही मतलब होल में क्यों चार्ज नहीं करते हैं सेम होल में, क्यों इसका क्या रीजन, इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है। क्या रीजन इसका बताएं, क्योंकि क्या हो सकता है उससे मिसफायर हो सकता है, ठीक है मिसफायर होने के चांस रहते हैं। अगला देखेंगे व्हाई आउटलेट फ्रॉम माइन आर नॉट प्रोवाइडेड क्लोजर देन 30.5 मीटर। सबको पता है दो आउटलेट के बीच की डिस्टेंस कितना होगा 30.5 मीटर, तो इतना इससे कम क्लोज इसको क्यों नहीं बनाया जा सकता, ठीक है इसका क्या कारण है। सबको तो पता है दो आउटलेट बीच की दूरी इतनी होगी पर इससे कम क्यों नहीं बना सकते, क्या रीजन है, ठीक है देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसका रीजन ये है कि क्लोजर आउटलेट विल वीकन सॉफ्ट पिलर केसिंग, है ना, पिलर टूटने की संभावना हो सकती है, ठीक है अगर ज्यादा पास में बनाएंगे इससे तो, ठीक है आंसर सी है अपना राइट आंसर इसका, ये सब याद रखेंगे। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है इसको छोड़ दें। 22 देखो क्या दिया, व्हाट इज द रेट ऑफ स्टोन डस्ट लोडिंग पर मीटर सेल्फ, इसको भी छोड़ देता जरूरी नहीं। 23 देखें, व्हाट इज द रेट ऑफ स्टोन डस्ट लोडिंग पर मीटर सेल्फ लेंथ मतलब लाइट टाइप बैरियर, स्टोन डस्ट लोडिंग पर मीटर, ठीक है लाइट टाइप बैरियर में स्टोन डस्ट का रेट क्या होगा अगर पूछता है, ठीक है लाइट टाइप के बैरियर में किस स्पीड से स्टोन डस्ट करना है, ठीक है कितना करना है स्टोन डस्ट लाइट टाइप बैरियर में, सॉरी कितना करना है, कितना 30 kg, ठीक है अगर हेवी टाइप बैरियर पूछता है, यहाँ पे दिया है ना ये स्टोन डस्ट रिक्वायर हेवी टाइप बैरियर, ठीक है ये सब क्वेश्चन मिलेंगे नहीं कहीं ज़्यादातर, ठीक है तो किसमें 390 kg में, ठीक है हेवी टाइप का। व्हाट इज सुटेबल डिस्टेंस लोकेशन ऑफ हेवी टाइप बैरियर फार्थेस्ट फेस, ठीक है फेस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए हेवी टाइप बैरियर का, ये भी क्वेश्चन नहीं मिले, कमेंट करके बताएं इसका आंसर। 26 का बी 365 मीटर, ठीक है अगला अपना देखेंगे द कैम फ्लेम यूज इन माइनर, कैम फ्लेम किस टाइप का होता है मैंने बताया है ना, ये स्ट्रिंजिकली सेफ होता है ना फ्लेम प्रूफ, इसका राइट आंसर क्या है अपना सी, ठीक है ये क्वेश्चन जरूर देख के जाएं, वीडियो को स्किप ना करें पूरा देख के जाएं, कमेंट करके बताएं और वीडियो चाहिए हो तो। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर ऑफ कैम फ्लेम, ठीक है इसमें सबसे जरूरी फीचर को एक कौन सा सेफ्टी फीचर है कैम फ्लेम का, सबको पता है, ठीक है चलो पहला ऑप्शन है कार्टिज टाइप सिल्वर फ्यूज, पता रहता है इसमें सिल्वर का क्या लगा रहता है फ्यूज लगा रहता है ना जिससे अपने आप गर्म होता है तो कट जाता है। फिर अरेंजमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव करंट फ्लो इन द इवेंट द शॉर्ट सर्किट, ठीक है इसका आंसर बताएं क्या होगा सेफ्टी फीचर ऑफ कैम फ्लेम में। इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं सही सही, इसका आंसर क्या होगा अपना कमेंट करके बताएं। बोथ है ना ऑफ द अबव, दोनों होगा। ठीक अगला देखो इस टाइप क्वेश्चन ईसीएल में भी आया था, देखो इसमें भी दिया है व्हाट शुड बी द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम पावर केबल, मीडियम पावर केबल के लिए कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है इसका आंसर क्या होगा अपना, तो 1 mega ohm। ठीक है अगला बन सकता है व्हाट शुड बी द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई पावर केबल के लिए, तो कितना 10 mega ohm। ठीक है ये दो क्वेश्चन। अगला हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर शुड बी कंडक्ट अप टू ईच फेस वेयर सॉलिड ब्लास्टिंग, जहाँ सॉलिड ब्लास्टिंग हो रही वहां कितनी एयर पहुंचना चाहिए, कम से कम कितनी पहुंचना चाहिए अपना, कम से कम कितनी पहुंचनी चाहिए अपनी 284 m³/min। ठीक है आंसर राइट इज सी। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस यूज गिव सुटेबल कर्वेचर टू ट्रेक लाइन, ठीक है सुटेबल कर्वेचर देने के लिए ट्रेक लाइन में अपन कौन सा अप्लायंसेस का यूज करते हैं, ठीक है कौन सा, तो जिम क्रॉ, ये सब आंसर है। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड इज जस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग वॉल मेथड, कहाँ पे
सुटेबल है, आपको बताए थे उसमें दिया था एचपी सोनी में, कहाँ पे जब अपनी सिम कैसी रहे फ्लैट और मॉड्यूलेट फ्लैट सिम में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ए। फिर अपना एक क्विक प्रोडक्शन कैन बी अचीव फ्रॉम, क्विक प्रोडक्शन अपन किस मेथड से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है किससे, एडवांसिंग लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड से, है ना, मतलब लॉन्ग वॉल मेथड से अपन बहुत तेजी से कोयला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले अपन क्या करते हैं, लॉन्ग वॉल मेथड टू टाइप की होती है, ठीक है, इसको समझे, लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग और लॉन्ग वॉल एडवांसिंग। लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग अपना किस टाइप का हो गया, डेवलपमेंट, पहले अपन यहाँ से काटते हुए लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग वॉल एडवांसिंग क्या हो गया अपना, डिप्लरिंग, ठीक है। तो आपको पता है डेवलपमेंट के दौरान अपन 20-30% कोयला निकालते हैं, डिप्लरिंग के दौरान 70%। उसी प्रकार से जब अपन लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग करते हैं तो 20% कोयला, 20-30%, पर लॉन्ग वॉल एडवांसिंग करते हैं तो 70% कोयला अपन को बहुत तेजी से मिलता है, ठीक है। तो इसलिए कौन सी मेथड सुटेबल रहेगी, तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग मेथड, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, पीरियड टू इंस्टॉलेशन लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट एट फेस, फेस इज टू बी डेवलप बाय रोड हीडर इन, ठीक है। इसका राइट आंसर आप बताएं, अपन अभी 35 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ऐसा अपन किस मेथड में करते हैं, तो रिट्रेटिंग लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, ठीक है। ज्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ एमसीक्यू करा रहे हैं, इसे पढ़ा चुके हैं हम अपनी क्लास में, सब बता चुके हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ बल्किंग फैक्टर, बल्किंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, शायद ही पता होगा किसी को, पता है तो अच्छा है। 36 का आंसर है मोर देन वन, ठीक। आगे चलते हैं, इन इंडियन लॉन्ग वॉल माइंस सपोर्ट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, ठीक है, ये सब हम बताएं, इसका आंसर जरूरी नहीं, जो जरूरी बताए। 38 को याद रखें, मिनिमम एयर वेलोसिटी रिक्वायर्ड लॉन्ग वॉल फेस, लॉन्ग वॉल फेस में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए हवा की कम से कम, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, 60 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, रेगुलेशन में भी दिया हुआ है, ठीक है, वेंटिलेशन वाले चैप्टर में 151 से रेगुलेशन चालू है। फर्स्ट जनरेशन पावर सपोर्ट, पावर सपोर्ट की पहली जनरेशन क्या थी, फ्रेम, सब लोग लगा देते चौक, FRME फ्रेम, ये भी पता रहा होगा, ठीक है, फ्रेम। अगला है पावर पैक इज प्रोवाइडेड एट लॉन्ग वॉल फेस गिव प्रेशर, ठीक है, 48 का आंसर क्या है अपना, लगाएं तो डी, स्टेज लोडर, ठीक है। अगला है रेशियो ऑफ वाटर एंड इमल्सन, रेशियो ऑफ वाटर एंड इमल्सन इन हाइड्रोलिक फ्लूइड, इसका नहीं पता रहा होगा, ठीक है, रेशियो वाटर एंड इमल्सन इन हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड में वाटर और इमल्सन का क्या रेशियो रहता है, ठीक है, जिसको पता हो कमेंट करके बताएं। तो क्या है बी, 95% अपना क्या रहता है, इमल्सन वाटर, और 5 क्या रहता है अपना इमल्सन, ठीक है, रेशियो होता 95:5, ठीक है। सेटिंग प्रेशर एंड एल्डिंग प्रेशर इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है सेटिंग प्रेशर और एल्डिंग प्रेशर, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो पावर सपोर्ट से, ठीक है। एडवांस सपोर्टिंग ऑफ 30 मीटर बोथ द गेट रोडवे इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एडवांस सपोर्ट 30 मीटर बोथ गेट रोड वे रिक्वायर्ड, क्यों एडवांस सपोर्ट अपन जो 30 मीटर बोथ मतलब दोनों गेट से करते हैं, क्यों जरूरी है, किस लिए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताए। ए, फ्रंट अबैंडनमेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। लोड सेल एंड कन्वर्जन रिकॉर्डर इज यूज, लोड सेल और कन्वर्जन रिकॉर्डर यूज अपन कहाँ करते हैं, ठीक है, तो बोथ गेट रोड्स में, ठीक है, बी है राइट आंसर, ज्यादा समय न बर्बाद, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं किसी के पास ज्यादा, जल्दी देखते चले, जिसको जो डाउट लगे तो बताएं। विथ लो सेटिंग प्रेशर, ठीक है, जरूरी नहीं क्वेश्चन छोड़ देंगे, जो जरूरी नहीं वो नहीं बता रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग ओकर फर्स्ट इन अंडरग्राउंड कोल माइन, ठीक है, का सबसे पहले हुआ था, ठीक है, अंडरग्राउंड कोल माइन, ठीक है, इसके बारे में पता होगा ज्यादातर लोग को, नहीं पता है तो बताएं कमेंट करके। सबसे पहले क्या होता है अपना, क्या होता है लोकल फॉल, है ना, लोकल फॉल होता है, मेन फॉल होता है, पीरियोडिक फॉल होता है, ठीक, पर सबसे पहले क्या, अंडरग्राउंड कोल माइन में
लोकल फॉल्ट, सेटिंग ऑफ अनलोडर वेल्व एंड पावर पैक चेंज बाय किसके द्वारा किया जाता है, पावर पैक को चेंज किया जाता है, ठीक है, अनलोडर वेल्व को सेट किया जाता है, ये चीज नहीं पता रही होगी, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, ठीक है। पॉजिटिव सेट वेल्व, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे पीएसवी, यूज इन ओवरकम द ऑपरेटर एरर, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, पीएसवी का 49 का आंसर अपना क्या होगा बताएंगे, क्या होगा, पावर सपोर्ट, सिवाद यूनिट, सिवाद कह रहा हूँ, SIVAD यूनिट है ना, वही है, इज मेनली यूज इन इंडियन लॉन्ग वॉल फेस टू ऑपरेट, ठीक है, इस यूनिट का यूज ज्यादातर इंडियन लॉन्ग वॉल फेस में किसको ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या होगा, ये आर्मोर फ्लेक्सिबल कन्वेरेंट स्टेज लोडर, ठीक है। ओवर 90% ऑफ अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन इन इंडिया कम, 90% कोल प्रोडक्शन इंडिया में कौन सी मेथड से होता है, ठीक है, सबको पता है किससे, बोर्ड एंड पिलर से अपन निकालते हैं, ठीक है, 10% ये अपन लॉन्ग वॉल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, अपने यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी मेथड यूज होती है माइनिंग में, बोर्ड एंड पिलर, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, ठीक है, आगे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें आप लोग चैनल को तो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, 400 क्वेश्चन का टारगेट है जो अलग से है।